मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। ये जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस मौके पर तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन सबकी निगाहें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के मुलाकात पर टिकी हुई थी। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में जब तमाम राजनीतिक दल के नेता पहुंचे, खुद नेता विरोधी दल पहुंचे और उनके पार्टी के नेता पहुंचे, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेता पहुंचे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये जो तस्वीरें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी आने वाले जो नेतागण हैं उनका वो अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तमाम गेस्ट का स्वागत करने के बाद जब इफ्तार पार्टी खत्म होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अतिथियों को लेकर सड़क तक पहुंचते हैं। तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच तेजस्वी यादव की गाड़ी तक नीतीश कुमार पहुंचते हैं और वहां पर जाकर तेजस्वी को नीतीश कुमार छोड़ते हैं। हालांकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद बिहार में नई सियासी चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से इफ्तार के बहाने ही सियासत कुछ अलग किस्म की हो रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नजदीकियां बढ़ रही है, लेकिन जो नजदीकी सामने दिख रही है उससे अलग जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। आरजेडी को खेला होने की उम्मीद है तो जेडीयू इसे बस औपचारिक और इसे गैर राजनीतिक मुलाकात बता रही है। इफ्तार के बहाने हो रहे सियासी मुलाकात पर एक तरफ सियासत तो दूसरी तरफ सफाई का सिलसिला भी जारी है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।